करनाल हाईवे पर नीलकंठ के समीप एक सड़क हादसे में गांव कुटेल के रहने वाले व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मृतक सुरेंद्र के परिचितों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हाईवे पर सुरेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र करनाल में नौकरी करता था। वह मोटरसाइकिल पर सुबह के करीब 8 बजे करनाल अपनी जॉब पर आ रहा था, तो रास्ते में नीलकंठ ढाबे के समीप एक डंपर चालक ने सुरेंद्र की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। फिलहाल सुरेंद्र की दर्दनाक मौत से उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं मृतक के परिजन डंपर चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पे खड़ा है, पुलिस से जो बात हुई है अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ। ये सुबह 9:30 बजे के करीब। क्या नाम था? सुरेंद्र कल्याण, सन ऑफ धर्म सिंह। क्या काम करते थे? ये प्राइवेट जॉब करते थे, गाड़ी वगैरह चलाते थे। आपको कैसे सूचना मिली? हमें गांव के लड़के, जो मतलब फ़ोन आया, गांव के लड़के वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे गांव के सुरेंद्र हैं, और ऐसे ऐसे करके होंडा साइन बाइक पे सवार थे, तो उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ हुआ था। तो फिर पता किया कि भाई, जैसे उनके लड़के का नाम बताया, भाई साहिल है या कुछ भी, तो वैसे ही फिर गांव में पता चल गया कि ये सुरेंद्र है। फिर हम सब यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे होके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचे। अभी तो ये आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया, सुरेंद्र पुलिस रिपोर्ट हो गई है, पुलिस की हो गई है, अभी पुलिस आने वाली है यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए उनकी गई हुई है। क्या नाम? मेरा नाम अश्विनी कल्याण। मैं गाँव में सरपंच का भाई हूँ कुटेल से। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।